ईरान की हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हफ्ते की छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक घंटा मजीद काम करेंगे, 130 दिनों में रेलवे को अपने पांव पर खड़ा करेंगे, शेख रशीद का दावा। अभी बड़ी मछलियों पर हाथ डालेंगे, रेलवे के किराए बढ़ाने का फैसला नहीं किया गया। शेख रशीद की रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब की पहली टीम के कौन कौन खिलाड़ी, फैसला आज शाम तक हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बाद मतवक्के वुज़रा को भी बनी गाला तलब कर लिया। अलीम खान, यास्मीन राशिद, सप्तैन खान, मिया असलम इकबाल, हुसैन बहादुर, दृशक राजा यासिर, यासिर अमार, मुरादराज, जहांजेब खिच्ची, खालिद महमूद को बुलावा। नामजद गवर्नर चौधरी सरवर भी मौजूद होंगे। इमरान खान मुमकिना काबीना के अरकान का वजारतों के हवाले से मुख्तसर इंटरव्यू भी करेंगे। पंजाब में पहले मरहले में 15 वुज़रा, मियां महमूद रशीद को हाउसिंग, अलीम खान को बल्दियात, मियां असलम इकबाल को इत्तलात का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान, डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजीर सेहत, सप्तैन खान को ज़राअत, जबकि समीउल्लाह को चीफ वेब बनाया जा सकता है, हुसैन बहादुर दरीश को वजीर खजाना बनाए जाने का इम्कान, राजा बिशारत, राजा यासिर, डॉक्टर मुरादराज, अजमल चीमा को भी वजारत मिल सकती है। आज करप्ट और झूठ बोलने वाले कामयाब है। जमात इस्लामी ने कभी ऐसा रास्ता नहीं अपनाया। इस्लाम फसाद फिलर्स की इजाजत नहीं देता। मुल्क में दीन इस्लाम के नफाज के लिए पुरअमन तरीका अपनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जमात के 77वें यौम तासीस का खिताब। फरीद प्राचा बोले, धड़ाबंदी के बाद बहुत सी जमातें टूट चुकी, जमात इस्लामी आज भी मुत्तहिद है। लाहौर मुतहरिक हो गए, मोल रोड के बड़े हिस्से से बैनर्स उतार दिए गए, लेकिन मुकम्मल सफाया ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के करीब ही सियासी जमातों के बैनर्स ताहाल मौजूद। बती चौक, मौनी रोड, भाटी चौक में भी सियासी जमातों के फ्लेक्सेस देखी जा सकती हैं। पाक भारत आबी तनाज़े मुज़ाकरात कल होने का इम्कान। भारतीय वक्त लाहौर पहुंचेगा। मुज़ाकरात में सिंध तास मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी के मसाइल पर बात होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी लाहौर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और पाकिस्तान नेवी की पेशा वाराना सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। कौम को पाकिस्तान नेवी की बहादुरी और शुजात पर फख्र है, सरदार उस्मान बुज़दार। बकरा ईद क्या, आढ़तियों ने सब्जियों की सप्लाई को ही ब्रेक लगा दी। चार रोज से ताजा सब्जियां मंडियों तक ना पहुंच सकी। जो दस्तियाब हैं वो महंगी तो हैं, साथ ही गैर मयारी भी। सब्ज मर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, भिंडी, शिमला मर्च समेत हर सब्जी के दाम बेलगाम। सप्लाई शुरू हो रही है, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दुकानदार शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। थाना सदर पुलिस ने शहरी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जा से पतंग और डोर बरामद। एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के लिए 26 खिलाड़ियों का ऐलान। खिलाड़ियों में फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, आसिफ अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर, हसन अली, उस्मान शिलवारी शामिल। मोहम्मद नवाज, उमाद वसीम, हारिस सुहेल, मोहम्मद हफीज, यासिर शाह, शाहीन शाह अफरीदी, जुनेद खान को भी बुलावा। साहबजादा फरहान, शान मसूद, उस्मान सलाहुद्दीन, असद शफीक, बिलाल आसिफ, मोहम्मद असगर, राहत अली, मीर हमजा भी शरीक होंगे। ट्रेनिंग कैंप आर्मी स्कूल और फिजिकल ट्रेनिंग में लगाया जाएगा।